दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं आइटम के ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं आप बिजी में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप्स की। जैसा कि मैं आपको लेजर के ग्रुप में बता चुका हूँ, वैसे आप आइटम के ग्रुप्स भी होते हैं जो सेम कैटेगरी के होते हैं, बट आइटम काफी सारे होते हैं बट सेम कैटेगरी के होते हैं। अब जैसे हार्डवेयर्स हैं, अब हार्डवेयर्स के अंदर काफी सारे आइटम्स आ जाते हैं, है ना, माउस है, कीबोर्ड से, मॉनिटर्स है, तो इस तरीके के काफी सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। और ये दूसरी बात हम कर सकते हैं अकाउंट्स लेजर में भी बात की थी हमने। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी ओपन करनी है। कंपनी ओपन करने के बाद आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन पे जाना है आपको, और उसके बाद आपको जाना है मास्टर्स में। मास्टर में जाने के बाद आप यहाँ पे जाना है आइटम ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट में। अगर आपको नए तरीके से कोई ग्रुप बनाना है तो ऐड करिएगा, कोई मॉडिफाई करना है जो आपके पास पहले से बना हो आइटम उसको मॉडिफाई करना है, और अगर आपको देखना है सिर्फ व्यू करना है तो आप लिस्ट पे जा सकते हैं। बट हम फिलहाल करते हैं ऐड में न्यू ग्रुप। तो उस बात हम बात करते हैं पहला ग्रुप क्या हो सकता है। मान लीजिए हार्डवेयर है, हार्डवेयर है, ओके, इसको हम प्राइमरी ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। अगर इसका कोई एचएसएन नंबर है तो एचएसएन नंबर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका टैक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट आइटम पे हम स्पेसिफाई कर चुके हैं तो हमें ग्रुप में करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो इसको करते हैं सेव, ये ग्रुप। अब दूसरी बात है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स मतलब सॉफ्टवेयर जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, बिजी हो गया, जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये भी एक सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, और टैली भी एक सॉफ्टवेयर है। तो जिस तरीके के आपके पास, मान लीजिए ऐसा होता ना कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो वर्क होता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं आइटम के, जैसे रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, फिनिशिंग गुड्स होता है, हाँ, सेमी WIP होता है। तो इस तरीके काफ़ी कैटेगरी होती है जो ग्रुप, इस तरीके से आपको ग्रुप्स बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको प्राइमरी में ही रखना है, और इसको नो, अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई यस करके, अदरवाइज इसको सेव कर दीजिए, ओके। यहाँ पे सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अगर इसमें कोई मॉडिफाई करनी है तो आप यहाँ से मॉडिफाई का ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। मान लीजिए हार्डवेयर है, ओके, हार्डवेयर ले लिया और इसको हमने कर दिया क्या, एचएसएन नंबर यहाँ पे हमने ग्रुप में दे देंगे यहाँ पर, क्या मान लीजिए हमने एचएसएन नंबर ये रख दिया, ओके, और जो टैक्स रेट है ग्रुप में 18% रख दिया, है ना, सर्विस टैक्स नहीं बट GST। अपडेट आइटम, अपडेट करना है आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट हम इसको अपडेट करेंगे नहीं, क्योंकि हमें अभी फोकस जो करना है वो ग्रुप का है, ग्रुप में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली करना है सेव, बट इसको करके देख लेते हैं करने में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैक्स कैटेगरी जो भी आपसे पूछ रहा है, ऑल आइटम्स है, जैसे नंबर है, जो हम पहले से भी दिखा चुके हैं, है ना, अगर हमें अपडेट करना हो तो। इस तरीके से आपको ग्रुप मेंटेन्स करने हैं ना, मॉडिफाई कर लिए, और उसके बाद आप व्यू कर सकते हैं सिंपली, जैसा कि हम अकाउंट्स में व्यू कर सकते थे, है ना। और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारा हो गया रॉ मटेरियल, ओके, रॉ मटेरियल हो सकता है, इसको भी प्राइमरी में रखिए, ठीक है। जितने भी आप ग्रुप रखोगे प्राइमरी में रखिए ना, अदरवाइज जो भी खर्चे होते हैं उसको प्राइमरी में बिल्कुल मत रखिएगा, ठीक है। और WIP, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने ग्रुप बना लेने हैं, F2 से सेव कर दीजिए और कर दीजिए फिनिश कोड, ठीक है, F2 से इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ग्रुप बनाना है कि एक सेम कैटेगरी के आइटम को एक नाम दे दिया जाए, है ना। जैसे क्रिकेट में 12 टीमें तो काफी सारी होते हैं, बट प्लेयर 12 होते हैं, तो उनको एक नाम दिया जाता है, जैसे टीम 1, या उनके नाम से टीम इंडिया है, टीम ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी बनानी है, ग्रुप्स बनाने हैं, जहाँ पर एक एक आइटम को आसानी से पहचाना जा सके, ना। तो इस तरीके से आपको अपने ही बिजी में आइटम के ग्रुप्स बना सकते हैं। सो आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, सो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।